मैं हूं शाह मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जाग मेरे शहर न्यूज चैनल। 3 नवंबर सुबह 7 बजे मालेगांव शहर में नए बस स्टेशन के सामने ज़ेर तामीर फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे फिर एक हादसा रोनुमा हुआ, जिसमें एक ज़ईफ़ शख्स के पैरों को एक रेत से भरे ट्रक ने कुचल दिया। ज़ख्मी होने वाले बुज़ुर्ग का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद बताया गया है, जो कि रोज़ी रोटी के लिए करीबी देहातों में जाकर अपने कांधों पर रख कर साड़ियों का व्यापार किया करते थे। आज फ़िलहाल वो 40 गाँव के लिए निकले थे, तभी एक लोडेड रेत के ट्रक ने उनको ज़ख्मी कर दिया। रेत का ट्रक था, बहुत तेज़ रफ्तार में था, फुल लोडेड था। ट्रक ड्राइवर ने उसे बाहरी रास्ते से ले जाना चाहिए था, मगर उसने सिटी में से डाल दिया, जिसके सबब यह हादसा रोनुमा हुआ। फ़िलहाल रेत से भरा ट्रक सिटी पुलिस स्टेशन अमले ने हिरासत में ले लिया है, मगर बुज़ुर्ग मोहम्मद मुस्तफ़ा की दोनों टांगें शदीद ज़ख्मी हो गई है। जनरल हॉस्पिटल में बुनियादी इलाज के बाद उन्हें भी दुलिया के सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है। मारूफ सोशल वर्कर शेख शफीक एंटी करप्शन ने इस मामले में काफ़ी मानत की और एक मांग ट्रैफिक पुलिस से किया कि इस तरफ ध्यान देते हुए इन हेवी व्हीकल्स को सिटी से गुजरने ना दिया जाए और आवाम की जान बचाई जाए। ट्रैफिक पुलिस अमले को भी इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें और ऐसे ही देखते रहिए जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल। कैमरामैन अमानुल्लाह के साथ। ऐसे ही आवामी बेदारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।